इलायची के पापा, अगर पंडित ने आदत से मजबूर होकर के सच्ची के मंत्र पढ़ दिए तो? ये क्या चल लिया है? ना तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे पुत्र की शादी हो रही है उसकी बीवी के साथ। तुम्हें शर्म ना आ रही है? शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही है आप? ना इसमें शर्म की क्या बात है, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ। पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में। भगवान जी, आपको क्या लगता है मेरे और जीजा जी की जोड़ी काफी अच्छी दिखती है ना साथ में, मतलब? लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक प्रे करनी थी मुझे आपसे कि प्लीज ये जो सेटिंग करने में आई हूँ ना वो हो जाए प्लीज 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 प्लीज। बजरंग बली बजरंग बली मारुति नंदन बजरंग बली बजरंग बजरंग। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पंडित जी आपसे ना एक काम है, आज जो आप शादी करवाने आने वाले हैं ना वो शादी होनी नहीं चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ। वो क्या है ना, जो जीजा जी की मम्मी है उन्हें ना बहुत खूबसूरत सी बहू चाहिए थी, और जो उनकी रियल बहू मतलब जीजा जी की वाइफ है वो थोड़ी मतलब मतलब वैसे सिंपल सिंपल सी है। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। जो उनकी सासू माँ है वो थोड़े कमजोर दिल की है, इसलिए ना मैंने और जीजा जी ने झूठ बोल दिया कि हम लोगों ने भाग के शादी की थी बिना किसी रस्मों के। तो ना अभी उन्हें रस्मों के साथ शादी कराना चाहते हैं हमारी, लेकिन हम ये नाटक कर रहे हैं, उनका दिल कमजोर है इसलिए। और एक आप ही वो इंसान है जो ये शादी जुड़ने से पहले ही तोड़ सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना पंडित जी? प्लीज सच कहूँ ना बेटी, तुम महान हो, मुझे तुम पर गर्व है, किसी का दिल टूटने से बचाने के लिए तुम इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। बेटी मैं भी इस नेक काम का हिस्सा जरूर बनूंगा। मैं है ना झूठे मंत्र पढ़ूंगा, ठीक है? अब खुश? थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी जब मेरी असली वाली शादी होगी ना जीजा जी के साथ तो पक्का आप भी आना। जीजा जी से? जी मैं मतलब जब मेरी असली वाली शादी होगी तो मैं जीजा जी को बोलूंगी कि आपको बुलाएं। थैंक यू। जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो। अरे मत लो, तू कह रहा हूं मैं मत लो, मेरा बीबी बढ़ रहा है बहुत। आंटी जी, अरे हम ये कह रहे ना कि ये गजरा जो है अपने बालों में लगा लो, सच बता रहे हैं आपको एकदम चांद का टुकड़ा दिखोगे। क्या कि आप हमारे पति की होने वाली सास हो, कोई मजाक थोड़ी है। पिंटू जले पे नमक छिड़क रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। सही कहा तूने, बिल्कुल सही टाइम पे सही बात कही है, भाग ही फूट रहे हैं। दुनिया का पहला ऐसा बापू जो अपनी बेटी की नकली शादी इतनी धूमधाम से मना रहा हूँ, और ये सब उस कीर्तन की वजह से हो रहा है। सेठ जी पंचम। अबे काय का पंचम, संगीत में 700 होते हैं और तूने मेरे यहाँ 800 खोज लिया, बात कर रहा है बेकार की। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं आप लोग? अरे इलायची बेटा, स्ट्रेस ना लूं तो क्या करूं? बता, अपनी फूल सी बच्ची का हाथ जो है मैं उस भाषण के हाथ में दे रहा हूँ। सेठ जी पंचम। अबे मैं तुझे भाषण कहूँ, लाचड़ कहूँ, आचड़ कहूँ, आचरण कहूँ, अंचन कहूँ, अधिवेशन कहूँ, जो चाहे कहूँ, बोल क्या कर लेगा तू? सेठ जी पंचम। अरे यार देखो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, और वैसे भी हम जो नाटक कर रहे हैं ना वो जीजा जी की मम्मी के कमजोर दिल के लिए कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड पापा। अच्छा तुझे उसकी मम्मी की पड़ी हुई है, और यहाँ तेरी इस नकली शादी के चक्कर में मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरी धमनियां सब कमजोर पड़ते जा रहे हैं बेटा। बहू मेरी लाडो, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी चिल करो, रिलैक्स कर लो थोड़ा सा,
अरे यार मैं हूं ना, मेरे तभी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मैंने सब कुछ सेट कर लिया। ओके पापा, चलो चलो बाल ठीक कर लो अपने, मम्मी रोना बंद करो चलो। कटंकी, आज अगर शादी नहीं हुई ना, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा। क्यों बेटा प्रकाश? इलायची के पापा, अगर पंडित ने आदत से मजबूर होकर के सच्ची के मंत्र पढ़ दिए तो? बंसल साहब प्रणाम, बंसल साहब प्रणाम। वाह वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा है आपने फंक्शन में हमारे लिए। देखिए जनरल साहब, क्या है कि आज घर में पूजा है, उसी का फंक्शन है, तो किसी और दिन आइएगा। देखिए सेठ जी, आज हम अधूरे काम को पूरा करके ही जाएंगे। क्या बेटा, अंगूठी लाए हो ना? हाँ, और अपनी होने वाली बहू इलायची को हम अंगूठी पहना के जाएंगे। क्या बेटा? खसमानु खानिया नलायका मर जानिया, तू फिर से आ गया। चलिए जेलर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? जेल में चलते हैं, वहीं से शिकायत कर लियो। सेठ जी, ये क्या है? देखिए, हम मेरी कोई गलती ना है, जिसकी गलती थी उसके गाल पे तो आपने थप्पड़ मारी दी। हाँ ये भी ठीक है। लो जी, आज शुभ दिन है, मेरे पुत्र का ब्याह है, इसलिए मैं उसे अशुभ नहीं करना चाहती। चलो नाच गाना हो जाए, ठीक है? अरे छोटे, अरे हाँ, अरे वाह, ये ले मिठाई का डब्बा। अरे वाह जी, किस बात की? अरे वो मेरे छोटे भाई का मुंडन हुआ है ना, तो पापा ने बोला मिठाइयाँ बांट दे। हाँ बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे सेठ जी नहीं दिखाई दे रहे? ना ना सेठ जी का तो मैं भी, अरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है घर में फंस गया किसी काम से। अच्छा चल ठीक है, वो सब छोड़, अगर सेठ जी दिखाई दे ना तो उनको ये मिठाई का डब्बा दे दियो, ठीक है? अरे मैं दे दूंगा। अरे काम की बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को अभी चौक पे आइसक्रीम खाते देखा है बबलू के साथ। साले बबलू, तेरी हड्डियां तोड़ देनी है। अरे ये मौसा एक दिन मुझे चांदनी चौक से निकलवा के दम लेगा। खैर सेठ जी को तो मिठाई का डब्बा दे दूंगा, दो मिनट दुकान देखियो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडली काक्ष, मंगलाय तनोहरी सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्तुते। इलायची पापा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये मंत्र है ना, मैंने हमारी शादी में भी सुने थे। आज कन्यादान हो ना हो, लेकिन तू मुझे यम को दान दे देगी, मैं बता रहा हूँ। दूर हट के बैठ, चल उधर बैठ जाके बात कर रही बेकार की। लड़का और लड़की फेरे के लिए खड़े हो जाए। अरे सेठ जी, अरे अवस्थी मिठाई दे गया बच्चे की मुंडन की। अच्छा तेरे यहाँ मिठाई लेके आया, क्यों? अरे वो मैं बता रहा हूँ, जे बताओ पहले सेठ जी, जे क्या चल लिया है? मैं तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे पुत्र की शादी हो रही है उसकी बीवी के साथ। जे तो गलत हो रहा है ना, इसमें क्या गलत हो रहा है? अरे मैं माता जी जे कह रही हूँ कि तुम्हें शर्म ना आ रही है, शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही हैं आप। ना इसमें शर्म की क्या बात है, दूसरी लड़की से तो नहीं करा रही ना, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ, इसमें क्या है? अरे कौन सी माता जी पहले वाली, पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में, और आप जिसकी बात कर रही हूँ वो सेठ जी की लड़की है, कुंवारी है वो। बच्ची स्कूल जाती है, और स्कूल कभी कभी नहीं जाती तो तीन से छह गोलचा चली जाती है। और क्या
बकवास कर रहा है तू? कोई इसे चुप क्यों नहीं कराता सेठ जी? अरे मैं तो कुछ ही ना बोल लिया था, चुपचाप खड़ा था, आप ही ने मेरा बटन दबा दिया, अब मैं बोल लिया हूँ, सुन लो। अरे सुन छोटे, निकल निकल, यहाँ से निकल, तू जा जा, चल जा। मैं तो जा ही रहा था, मुझे आ जा। तुझे ठीक हो ना बेबे? और चुप कर खोतिया, तू बेटा नहीं, दिल का दौरा पड़ने वाला इंजेक्शन है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चटका है तू। बेबे ऐसे मत करो बेबे, मेरी गलत सुनो बेबे। ओए तूने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ है नलायक का, बदतमीज। आंटी जी वो हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हमें सच छुपाना पड़ा, सो सॉरी आंटी जी। पुत्र सबको पता है ना मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, पर मेरे हार्ट के छोटे 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 टुकड़े कर दिए सबने। अरे नहीं नहीं पंचमी जी, देखिए आप जो है गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, आप मुझे सब समझ में आया है। जिसकी ऐसी बहू हो उसे तो दिन में चार बार वैसे ही दिल का दौरा पड़ जाना है। बेबे ताही करके तो मैं तुम्हें दस नहीं रहा सी। ओए तू मेरी छोड़, ऐसा क्या जादू टोना कर दिया इस कलमूही ने जो इससे शादी कर ली? ऐसी लड़की होती तो मैं फिर भी सबर कर लेती। ऐसी बीवियां होती हैं जो रात को सोते हुए पति का तकिए से मुंह दबा देती हैं, छत पे ले जाकर पति को तक्का दे देती हैं। यही मिली थी तुझे शादी करने के लिए? अरे मम्मी जी मैं इतना भी बुरा ना हूं। मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि मैं इतनी भी बुरी ना हूँ जितना आप समझ रही हो। हाँ मैं ना दिल की बहुत साफ सुथरी हूँ, सच बता रही हूँ आपको। ये जो सिंदूर है ना ये मेरी पहचान है और आपका बेटा मेरी जान है। तू लगती पूरी हवान है। अब कुछ बोली ना तो श्राप दे देना है मैंने तुझे। ना तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती तो इस बदतमीज की है। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तेरा मुंह नहीं देखूंगी मैं, मुझे फोन तक मत करना तू। लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं कर सकते यू फैटी। कब तू कहीं के ना आपको समझी जी समझ कर मैं बातचीत करती थी, हंस बोल लेती थी, लेकिन आपने क्या किया है? बड़े दुष्ट है, कपटी निकले आप, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। देखिए पंचमी जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो करू ने किया है। मेरे तो भाग ही फूट गए। बहन जी आपके भाग नहीं फूटे, भाग मेरे फूटे हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ओ बेबे आराम, बेबे मेरी गलत सुन लो एक बारी। बेबे सॉरी बेबे बेबे। मम्मी जी आशीर्वाद दे दो। ए बदबूदार औरत खबरदार मेरे आगे आई। बेबे बेबे प्लीज बेबे तुझे मत जाओ बेबे प्लीज। ओ तू हट, हट बना हो। हाय मेरी लाडो, खुश रह पुत्र, अच्छे से पढ़ाई करना, इसके जैसी निकम्मी मत बनना। जा रही हूँ मैं। तुसी ना जाओ, तुसी पट जाओ। बेबे रुको तो सही। बेबे प्लीज। ओ बेबे ओए मर जाने हट जा, लेकिन कहूंगी मैं। ओ बेबे बेबे अब क्या करेगा? सॉरी सॉरी सेठ जी, हमें बस इस बात की खुशी हो रही है कि शुक्र है भगवान का कि बेबी ने सब कुछ झेल लिया, मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ज्यादा ज्यादा क्या होगा एक महीने बाद, नहीं तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हमारा फोन उठा लेंगे ना। कुछ नहीं हुआ सेठ जी, सब 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 कुशल मंगल है।
वहां से तुम एक पुण्य का काम करो जिंदगी में बस। बोल बोल। तुम सबसे पहले तो अपने मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए बस। अरे और क्या क्या लगा रखा है तुमने, पूरे चांदनी चौक को मेरा दुश्मन बना दिया। जब देखा ऐसे टाइम देख के फोन लगा दिया। छोटे इस टाइम पे सच बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू झूठ बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू अपना मुंह बंद कर ले, क्या हो क्या रहा है ये? अबे बेटा छोटे, ये सब तेरे धंधे को आगे बढ़ाने का टोटका है। अरे तुम्हारे इन टोटकों ने मेरे तोते उड़ा रखे हैं। अब तेरे को सच बोलने की कोई जरूरत ना है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी। अरे तुम्हारी गारंटी गई तेल लेने, तुम जाओ, धंधा पूरा चौपट कर रखा है तुमने। ये जो हरी सब्जियां आती ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता पालक खाना चाहिए। अरे ओ दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी एक मिनट सुन लो, मेरी बड़ी लंबी उम्र है आपकी, कसम से कह रहा हूँ। अभी अभी दो दो, दो मिनट पहले मैं आप ही को याद कर रहा था, 100 साल जी होगी दरोगा जी। ये कौन कमबख्त मारा हो रखा है जो अपनी गंदी जबान से पिंकी जी का पवित्र नाम ले रही है? आपने बिल्कुल दिल की बात कर दी, असल में मेरी गंदी जबान है, मुझे माफ कर दो दरोगा जी, मैंने तुम्हारी भर भर के पेल पेल के बेइज्जती की है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं आज ही अपने मुंह में खोलता हुआ तेल डालूंगा, अपनी ये जबान काट के तुम्हारे कदमों में धर दूंगा, जूते की पूरी पॉलिश कर दूंगा उस कटी हुई जबान से, मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। अरे छोटे ये क्या बोल रही है दोनों, अरे आज तक पिंकी जी की कई लोगों ने भर भर के बेइज्जती की है, पर इस तरह से कभी किसी ने दिल से इतनी शिद्दत से कभी माफी नहीं मांगी है, पता है तुझे? इसलिए जा जा, पिंकी जी ने तुझे माफ किया, उठ जा। नहीं ये एक एक में एक में पकड़ इसको, छोटे उठ। देख ऐसा है, तेरी जगह पिंकी जी के चरणों में नहीं है यार, तेरी जगह तो पिंकी जी के यहाँ दिल में है, दिल गले लग तू, माफ किया जा। दरोगा जी तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? छोटे तूने कर दी ना छोटी बात, अपनी जैसे नाम की तरह की बात मत किया कर यार, छोटी बात। तू तू देख एक मिनट, ये है ना मंगीला, ये सारा दिन पिंकी जी की इतनी बेइज्जती करता है, भर भर के बेइज्जती करता है, भर भर के, और उसी बेइज्जती से देखो अपने चेहरे पे कैसे नूर ला रही है ये। आज तक पूछ ले तू, पूछ ले, आज तक पिंकी जी ने कभी इसको धोया है? हाथ लगा के तो देख। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपके हाथ ना धर्मेंद्र की तरह एकदम मजबूत है, कड़क है। छोटे हाथ लगा के दे। फोन रह गया वो मौसा का। हाँ मौसा बोलो। हैं है? इस टाइम पे? अरे मैं दारोगा हैं तो, अरे मौसा तो पर तुम तो बोले कि, अरे छोटे पिंकी जी क्या सोच रहे हैं कि तू इतने दिन से बोल रही है ना पिंकी जी को कि फ्री में आओ मालिश करा लो फेशियल करा लो, और पिंकी जी मना कर रहे थे ना, आज तू कर दे, आज देख मौका भी है दस्तूर भी है, आज तू अच्छे से एकदम पिंकी जी की मालिश कर दे। और वैसे भी क्या पिंकी जी सोच रहे थे कि तेरे जैसे जो छोटे से आदमी के लिए पिंकी जी जैसे बड़े अफसर की सेवा करने का मौका भी तो मिलना चाहिए कि नहीं? सही कह रहे कि नहीं पिंकी जी? तो ये क्या कर रही है यार तू, जिस दिन बोलने का वक्त आया तू मुंह ढक रही है, पहले आगे पीछे बोल तो ऐसे मुंह ना बोलना, बोलना तू पड़े आज ना बोलूंगा, बोल बोल बोल, नो 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 दरोगा जी मैं नहीं, बोल बोल पिंकी जी कितने महान हो रखे, बोल ताकि सब। चुप साले, तू कहां से महान है, 2% का रसोईया है तू, सारी तनख्वाह तेरी सब्जी खरीदने में चली जाती है, भिंडी टिंडे लौकी परवल कद्दू, तू कहां से पैसे देगा, कहां से कह रहा है कि फ्री में मसाज कर दे, तेरे बाप की दुकान है ये? नहीं बोल, तेरे बाप की दुकान है, तेरी मालिश कहां से कर दूं, तेरे जैसे सांड आदमी की मालिश इतनी आसानी से नहीं होती, तुझे क्या लग रहा है 2 बूंद तेल में तेरी पूरे बड़ी बदन की मालिश हो जाएगी है? तेरे जैसे सांड की मालिश के लिए मेरी दुकान का जाने कितने बोतल, जाने कितने बोतल तेल खर्च हो जाएगा, दिन भर सड़ी दाल कीड़े वाले चावल बीनता रहता है तू, दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा तो तू है, कभी अपने आप को बीनेगा, कैसे बीनेगा बिलौटे जैसी शक्ल के बात कर रहा है, शकल ना दिखाना यहाँ पे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मम्मी। हाँ
अरे क्या दांत निकाल रहे हैं मंगी साले पुष्पा के साथ।